हे ट्रेडर, कुबेर की कृपा हम सभी पर बनी रहे। तो आज है वीकेंड, मतलब संडे है, तो मार्केट में कुछ करने के लिए है नहीं था, तो मंडे के लिए मैं एनालिसिस करने वाला था, बैठने वाला था। तो मैंने सोचा कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ, कैसे आइडेंटिफाई करता हूँ कि मार्केट ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, कहाँ जाएगा। तो मैंने कहा आपके साथ भी शेयर कर लूँ, शायद आपके फायदेमंद हो या आप भी उससे कुछ सीख सकें कि मैं एनालिसिस कैसे करता हूँ, और आपके लिए अगर वो अच्छा रहा तो आप भी उसे फॉलो कर सकते हैं। तो ज़्यादा लेट नहीं करते, सीधे स्क्रीन पे चलते हैं और आपको दिखाता हूँ कि मैं कैसे एनालिसिस करता हूँ मार्केट को। जब भी आप मार्केट को देखते हैं तो एक अलग नज़रिए से देखिए। पहले मार्केट को बड़े फ्रेम पे पहले देखें, छोटे फ्रेम पे बाद में देखें। सबसे पहले जैसे हम क्या करते हैं, यहाँ पे डे निफ्टी का चार्ट है और हम डे फ्रेम पे पहले मार्केट को एनालिसिस करेंगे। मैं कोई भी इंडिकेटर या किसी भी उस पर बिलीव नहीं करता, मैं ओनली प्राइज एक्शन पे बिलीव करता हूँ, क्योंकि प्राइज एक्शन क्या है कि मार्केट का रियल मूव दिखाता है कि मार्केट किस साइड जाएगा। तो हमने डे चार्ट लगा लिया, और डे चार्ट लगाने के बाद हम ट्रेंड लाइन का सपोर्ट लेंगे। क्या है कि प्राइस एक्शन में ट्रेंड लाइन का बहुत ज्यादा सपोर्ट रहता है। तो हम क्या करेंगे, पहले एक नीचे से एक सपोर्ट बनाएंगे, और यहां पे सपोर्ट परफेक्टली, अब जब हमने डे को आइडेंटिफाई कर लिया तो हम अब इसको करेंगे 4 आवर्स में। अब मार्केट को आइडेंटिफाई करेंगे, अब मार्केट है बुलिश। अगर हम पिछले कुछ दिनों को देखें तो वहां से मार्केट कंटिन्यू ऊपर आ रहा है, एक सपोर्ट ले रहा है, फिर बाउंस मार रहा है। जब आप देखो यहां से ऊपर गया, फिर बाउंस, फिर बाउंस, फिर बाउंस, फिर नीचे, फिर बाउंस, फिर नीचे। अब यहां से जो पिछले दिन है वहां से ग्रीन है। अब यहां पे देखेंगे, हमें 4 आवर्स पे भी हमें क्या समझ में आ रहा है कि मार्केट बुलिश जा रहा है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कर लेंगे अपन 15 मिनट पे, 1 आवर्स पे नहीं जाना, सीधा 15 मिनट में, 4 आवर्स पे सीधा 15 मिनट पे। अब ये जो मार्केट है ये पिछले दिन का है। अब अगर हम यहां से देखेंगे तो मार्केट एक सपोर्ट से रेजिस्टेंस ले चुका है, 21,800 से सपोर्ट, 21,800 पे हमें मार्केट को सपोर्ट मिल चुका है। वहां से लगभग 1.5% मार्केट ऊपर आ चुका है, 1 से 1.5% समथिंग। अब यहां से क्या, अब यहां से क्या होगा, अब यहां पे आप देखो, यहां पे एक मार्केट एक रेंज में है। आप अगर देखेंगे तो मार्केट एक रेंज पे आ चुका है, और ये है वो रेंज। अब हमें क्या करना है इस रेंज में मार्केट में। अब मार्केट का नीचे का जो सपोर्ट है, तो पिछले दिन का लो हमारे लिए बेहद इंपॉर्टेंट सपोर्ट होता है। तो पिछले दिन का जो सपोर्ट है हमारा वो है 21,800। अगर मार्केट इसको ब्रेक करता है तो हम पुट के लिए जा सकते हैं, अगर इसको ब्रेक कर रहा है। अगर इसको ब्रेक नहीं कर रहा है और मार्केट यहां से ऊपर जा रहा है तो हमारे लिए सपोर्ट क्या होगा वो भी देख लेते हैं, ऊपर मार्केट कहां तक जा सकता है। मेरे ख्याल से अगर मार्केट ऊपर जाएगा तो ये वाला जो गैप है ये गैप फिल हो चुका है पूरी तरह। यहां से मार्केट ऊपर गया था और गैप को फिल कर दिया था। अब जो मार्केट ज्यादा बुलिश रहेगा तो मार्केट इस वाले रेंज तक जाएगा। अपन पहला जो अपना टारगेट रहेगा, पहला टारगेट अपना ये रहेगा 21,400 का। जो हमारा पहला टारगेट है वो है 21,400 का। मार्केट चल रहा है, सॉरी, 22,400 का अपना पहला सपोर्ट रहेगा। और दूसरा सपोर्ट अपन कर सकते हैं कि अगर मार्केट ज्यादा तेज रहा वो जा सकता है 22,500 तक। और मैं ये एक दिन का नहीं बता रहा हूं, ये लगभग इसमें 2 दिन लग सकता है, 2 से 3 दिन का टाइम लग सकता है, क्योंकि मार्केट एक सपोर्ट पर है। सपोर्ट से बाउंस मारने के बाद मार्केट रेंज में भी जा सकता है। यहां तक, जहां तक चांसेस हैं कि मार्केट इसी रेंज पे घूमता रहे, मतलब अगर आप बात करें तो 22,100 से लेकर 22,200 में वो एक दिन का टाइम व्यतीत कर सकता है। अब अपन देख लेते हैं बैंक निफ्टी को।
तो हमें वही करना है जो हम करते हैं हमेशा, पहले एक डे डे पे चार्ट को लगा लेते हैं। अगर हम डे में देखें मार्केट, तो यहां पे बहुत सारी चीजें समझ में आ रही हैं। पहले तो अपन ट्रेंड लाइन लगाएंगे, सबसे पहला काम अपना ट्रेंड लाइन। ट्रेंड लाइन को लगाने के बाद मार्केट में एक जो बहुत ज्यादा सपोर्ट है वो ये है। पहला सपोर्ट और दूसरा सपोर्ट अपना जो है तो वो ये है ही है। सॉरी, मैं सपोर्ट बार बार बोल रहा हूँ क्योंकि मेरे को हैबिट पड़ गई सपोर्ट सपोर्ट सपोर्ट। ये टारगेट है, पहला टारगेट और दूसरा टारगेट। अपन आप डे फ्रेम से आ जाते हैं फोर टाइम फ्रेम पे। अब फोर टाइम फ्रेम पे अगर देखते हैं तो मार्केट यहां से कंटिन्यू रैली बना के ऊपर जा रहा है, ठीक है। अब फोर टाइम फ्रेम पे भी मार्केट बुलिश समझ में आ रहा है और पहला टारगेट हमारा ये, दूसरा टारगेट हमारा ये, क्लियर समझ में आ रहा है। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे आ जाएंगे। अब ये 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हमें मार्केट क्या बोल रहा है, अगर हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पे देखें तो मार्केट को अगर कोई रोक सकता है जो फिलहाल पे रोक सकता है तो ये सपोर्ट रोक सकता है, ये रोक सकता है। अगर मार्केट को कोई रोक सकता है तो ये सपोर्ट है, और अगर मार्केट इसको ब्रेक करके ऊपर निकलता है तो पहला टारगेट और दूसरा टारगेट, क्योंकि 47,800 का सपोर्ट काफी स्ट्रांग है, क्योंकि मार्केट यहां से साइडवेज हुआ था मार्केट यहां पे और वहां के बाद कंटिन्यू नीचे आया था। कंटिन्यू नीचे आने के बाद यहां से वो बाउंस बैक मारा है। तो अगर मंडे को क्या होता है, मंडे को देख लेते। मंडे को अगर गैप अप ओपन होता है तो वो गैप फिल करने नीचे जरूर आएगा, नो डाउट। और अगर साइडवेज ओपन होता है तो वहां से वो मार्केट ऊपर जाएगा। और अगर गलती से किसी न्यूज की वजह से नेगेटिव ओपन होता है तो नेगेटिव ओपन, हमें तब तक नेगेटिव का ट्रेड नहीं लेना जब तक पिछले दिन का लो नहीं तोड़ा। अब जैसे मैं आपको बताऊं, पिछले दिन का लो ये है, जब तक ये मार्केट नहीं तोड़ता तब तक हमें पुट में नहीं जाना है, चाहे बैंक निफ्टी का हो चाहे निफ्टी का हो। जब तक ये नीचे का लो नहीं तोड़ रहा है, गैप डाउन अगर ओपन हो रहा है तो हमें पुट पे नहीं बैठना जब तक इसका लो नहीं टूटता, क्योंकि पूरा मार्केट बुलिश है। न्यूज की वजह से जरूर थोड़ी सी गिरावट आ सकती है, लेकिन बट पुट का ट्रेड हमें तभी लेना है जब पिछले दिन का ये लो टूटता है, बाकी हम बुलिश हैं। अब मिलते हैं मंडे को, देखते हैं कैसा रहता है ट्रेड। आपको सारी चीजें लाइव ही शेयर करता हूँ, तो जो भी ट्रेड लूंगा वो आपके साथ शेयर करूंगा लाइव। तो मिलते हैं अगले ऐसे इन्फॉर्मेशन वीडियो के साथ। तो चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो और लाइक बटन कर देना, और कमेंट में लिखना कि आपको क्या पसंद आ रहा है क्या पसंद नहीं आ रहा, जिससे मैं अपने वीडियो को इम्प्रूव कर सकूं और आपको आपकी जरूरत के अनुसार ही इन्फॉर्मेशन दे सकूं। क्यों, आप मुझे नहीं पता मेरी ऑडियंस किस टाइप की है, वो बिगनर है या थोड़ा सीख चुकी है, मुझे नहीं पता। तो आप कमेंट करेंगे तो उस अकॉर्डिंग मैं आपको हाई लेवल या लो लेवल जैसा आप बोलेंगे वैसे वीडियो बना दूंगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।